हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम ये देखने वाले हैं कि जो हम फ्लिपकार्ट पर एक्सचेंज करते हैं मोबाइल को, तो उसका प्रोसेस क्या रहता है जब एग्जीक्यूटिव हमारे घर पर आते हैं, तो वो क्या क्या चेक करते हैं फ़ोन के अंदर। तो इस वीडियो में आपको सारा डिटेल में पता चलेगा। ये जो मैंने फ़ोन दिया है, ये है लिनोवो का K6 पावर, और इसको मैंने एक्सचेंज किया था विद द वीवो X70 प्रो, जिसकी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा फ़ोन था। इस वीडियो में जो साथ में एक एग्जीक्यूटिव आया है वो न्यू था, तो जो एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव था वो उसको ट्रेंड कर रहे थे कि क्या क्या चेक करते हैं, तो उनके ही मुंह से आप सुन लेंगे कि क्या क्या वो चेक करेंगे फ़ोन में, जिससे कि आपको भी आइडिया मिल जाएगा। थोड़े वीडियो के अंदर साउंड का इश्यू हो सकता है, आवाज़ कम हो सकती है, मगर मैं आपको बीच में समझाता रहूँगा, तो वीडियो में बने रहिए एंड तक। रिमूव वो करते ही आपने रीसेट मार दी। हाँ जी, रीसेट मार दी। नया लड़का है क्या ये? सिर्फ आपने अपना मोबाइल देना है, ना तो उनको बॉक्स देना है, ना वो बिल मांगेंगे आपसे, ना चार्जर, ना ईयरफोन। सिर्फ मोबाइल की कंडीशन होती है देने की, वो वेरिफिकेशन करेंगे अपनी कोई भी। अगर आपकी हार्डवेयर की प्रॉब्लम अगर फ़ोन में होगी तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस कम हो जाएगा। आगे आप देखिए वीडियो में पता चलेगा आपको। अगर आपका कोई भी सॉफ्टवेयर में अगर इश्यू होता है फ़ोन में, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होती, हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लाइक स्क्रीन, बैटरी। डिस्प्ले स्क्रीन में क्या देखते हैं, ये चीज़ जैसे ब्लैकनेस, ये चीज़ ब्लैक है, ये चीज़ होगी, वाइट हो गया जैसे, या दाग हो कोई अंदर। जैसे कि हमारे फ़ोन के अंदर स्क्रीन के अंदर प्रॉब्लम थी, डिसकलरेशन थी, जिससे कि इसके अंदर ब्लैक कलर की लाइन थी, और जैसे पिक्सल्स जेड से हो गए थे, थोड़े स्क्रीन के ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि आपको पता होगा। जैसे कि हमारे जो फ़ोन की एक्सचेंज वैल्यू थोड़ी कम होगी, मुझे पहले पता था जब एक्सचेंज करते हैं तो वहाँ पर मेंशन होता है कि मिनिमम वैल्यू कितनी लग सकती है और मैक्सिमम कितनी लग सकती है, तो बताएंगे ही प्राइस अभी। 1350 रुपये आपको जरूर देना। कैसे करनी पेमेंट उसकी, कार्ड से करूँ? कैश कर दो। 1350 देता हूँ मैं, कैश दे देता हूँ। जैसे कि देख रहे हैं, ये मेरा टेम्पर ग्लास फ़ोन के ऊपर लगा था, तो इस पर क्रैक था, तो इन्होंने उसको भी उतार दिया था स्क्रीन चेक करने के लिए। तो सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो पे करने के बाद, उन्होंने मुझे नया फ़ोन हैंड ओवर कर दिया और पुराना फ़ोन साथ ले गए, और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। और इस वीडियो के इतने काफ़ी। फ्रेंड्स, कोई भी डाउट हो तो आप इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।